एक्चुअली जी आपके फीडबैक शामिल कर रहे थे और हम व्हाइट कलर के हवाले से, यानी व्हाइट कलर को पसंद करने वाले जो होते हैं वो कैसी शख्सियत रखते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे. आप सबको वेलकम करते हैं जहां जहां से भी आपने हमें ट्यून किया हुआ है. एंड पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस इवनिंग विद हया खान. और मेरी आवाज को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया. मबरूक याकुम अल हज़ल मसाल जमील. व्हाइट कलर के हवाले से मैं यहाँ पे जो बता रही थी, यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो कह रहे हैं कि जी हमें सफेद रंग पसंद है, सफेद रंग के हवाले से बताएं. तो जैसे कि मैंने कहा कि जी उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी का मादा भी होता है जिनको व्हाइट कलर पसंद होता है, और सफेद रंग अपने अंदर जो है ना वैसे बहुत सी खूबियां लिए हुए है. और इस रंग को पसंद करने वाले मुखलिस होते हैं, अमन पसंद होते हैं और नेक दिल के होते हैं. और दूसरों की जो खुशियां होती है ना उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं और रखते भी हैं, और साफ गो होते हैं और नेचुरली बहुत ज्यादा ठंडे मिजाज के होते हैं. हाँ, इसके अलावा साफ सुथरे जहन के मालिक होते हैं और ख्यालात जो होते हैं इनके बहुत ज्यादा पॉजिटिव किस्म के होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, ये ईमानदार होते हैं, रोशन जमीर और कनात पसंद होते हैं. ये तो है जी सफेद रंग के हवाले से. फीडबैक आपका पढ़ रही थी, जल्दी जल्दी से पढ़ लेती हूँ. और जी शिराज अहमद ने ट्यून किया हुआ है, आपने कहा है ब्लू कलर पसंद है जिसके हवाले से हमने आपको बता दिया. रावला कोर्ट से आपने ट्यून किया हुआ है. अवैध सोनोली सुन रहे हैं मानसेरा से, थैंक यू सो मच. और क्या कहते हैं जी, आपको कौन सा कलर पसंद है आपने बताया ही नहीं है. साइम मलिक ने कमेंट किया है फेवरेट कलर स्काई ब्लू. ब्लू के तमाम शेड्स जो जिनको ब्लू पसंद होता है ना उसकी वही खसूसियत होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था. इसके अलावा सैयद सरदार हुसैन सुन रहे हैं जी, फेवरेट कलर इज ब्लैक. ब्लैक पसंद है आपको, बताते हैं अभी ब्लैक के हवाले से भी समेत मेरे, मुझे भी ब्लैक पसंद है. अच्छा जी, कासिम रजा अवान सुन रहे हैं, कहते हैं कि जी पता नहीं कितने महीने जो पर हो गए इसमें छोड़े ना, मुका कर लेते हैं. अच्छा जी, मोहम्मद अफसर सुन रहे हैं, मोहम्मद अफसर क्या कहना चाह रहे, कहते हैं कि जी ओ मेरी सोनी क्यूट प्यारी डॉल गुड़िया इतना कुछ. नजर लग जाती है आपको. अच्छा, आपको कैसे पता चले कि मुझे नजर लग जाती है, ये बात तो मैंने छुपा के रखी हुई थी. अच्छा, क्या कहते हैं किसी वेलकम करे ना मुझे. चलिए जी, आपको वेलकम करते हैं. 26 मिनट आप लेट हुई है. अच्छा, कौन मैं, नहीं तो बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आ गया है जी. और ये ट्रैक जो है मैंने लगा भी दिया है, मेरे पास रिक्वेस्ट अभी मौजूद है, नहीं अभी नहीं लगा है. हम ऐसे करके दो तीन फीडबैक और पढ़ लेते हैं. सहर आफ्ताब ने चुन किया, कहा है कि जी फेवरेट कलर जो है ना, मेरा फेवरेट कलर वो है जो हया खान का है. अच्छा, यानी कि आपका फेवरेट कलर जो है वो रेड और ब्लैक है. पिंक और वाइट भी मुझे पसंद है वैसे, लेकिन शुरू में रेड पसंद था, उसके बाद ब्लैक पसंद हुआ. रेड कलर क्यों पसंद था मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपको पिंक कलर क्यों पसंद है, व्हाइट कलर क्यों पसंद है, ब्लैक कलर क्यों पसंद है. उसके लिए मुझे आप जो है वो कॉल कीजिए, और अब आप कॉल हमें कर सकते हैं 0514100999 पर कॉल कर सकते हैं. और नुमान जकी क्या कहते हैं कि जी क्या कहा, उन्होंने बहुत लंबा सा फीडबैक है एक. तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. नौमान जकी ने ट्यून किया हुआ है और आपने कहा है कि जी डेडिकेट करना ईशा आवासी को, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक. और इसके अलावा मोहम्मद दिलावेज सती को भी, अच्छा कोठे सती से आपने ट्यून किया हुआ है, थैंक यू. तौसीफ कौल थैंक यू सो मच. एम आसिम खान थैंक यू सो मच. और जी आपके पास से ट्यून किया हुआ है. राजा मुकारिब के एतवाल हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हमें ट्यून किया हुआ है किस किस ने, बहुत सारे लिसनर्स ने ट्यून किया, बट थैंक यू सो मच जहां जहां से आपने हमें ट्यून किया हुआ है. हरीम फातिमा के इतवाल ने ट्यून किया हुआ है, थैंक यू सो मच जी. आपने कहा मैं बाराको से सुन रही हूँ, हया खान मुझे एक सॉन्ग सुना दे प्लीज, हमदर्द. अच्छा चले ठीक है, हमदर्द सॉन्ग हम आपको जरूर सुनाएंगे. हमें जी बासित कहते हैं कि जी आई हैव गिवन यू इतने ज्यादा ट्रैक्स, उसमें से एक ट्रैक ही प्ले कर दीजिए. चले जी, आपके ट्रैक्स मैंने निकाले हैं वैसे. और जी जितने भी आपने रिक्वेस्ट की है हमारे लिसनर, जो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे पास एक साइट पे रखे हुए हैं, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट जो है प्ले करूंगी. अभी मुझे जवाद का दोस्ती भी प्ले करना है, ये मुझे याद है. तो अभी अब हम जो है आपकी कॉल्स पिक करेंगे. और हम जी आपकी कॉल्स जो पिक करेंगे वो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0511100999 पे. और जी
कॉलर से हम क्या पूछने वाले हैं, कॉलर से हम पूछेंगे कि जी आपको कौन सा कलर पसंद है और क्यों पसंद है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप हमें फीडबैक कर सकते हैं, फीडबैक करने के लिए www.facebook.com/powerradio99 पे आप हमें फीडबैक कर सकते हैं। और जी इसके अलावा आप जो है हमारी वेबसाइट से हमें जो है वो लाइव देख भी सकते हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है दैट इज www.power99.com.pk। ओके चले जी, हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट कॉलर कौन है हम चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? अनमनास। अनमनास कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अनमनास। अच्छा अनमनास, आपको कलर कौन सा पसंद है? कलर काफी सारे पसंद है। नहीं काफी नहीं, फेवरेट कलर भी तो होते हैं ना, तो फेवरेट कलर कौन सा पसंद है? रेड। रेड पसंद है? ब्लू। रेड और ब्लू दोनों। अच्छा ब्लू कलर के हवाले से मैंने कुछ कहा था वो आपने सुना था? नहीं रेड का सुना था, जो इतनी खौफनाक। अच्छा अच्छा खौफनाक नहीं, वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें। देखिए ना जो रेड कलर होता है ना वो जज्बाती बंदे की निशानी होता है ना, यानी जिसको रेड कलर शोक किस्म के जो लोग होते हैं। अब जाहिर सी बात है लड़कियों को पसंद होता है ना, गर्ल्स को पसंद होता है रेड कलर। अब बॉयज को तो पसंद होने से रहा, हाँ बॉयज को इस तरह पसंद हो सकते है कि उनको जो है वो फ्लावर्स में पसंद हो सकता है, किसी और चीज में पसंद हो सकता है, तो इस तरह हो सकता है। वो पहनने के लिए तो रेड कलर आई डोंट थिंक सो कोई पहनेगा। आपके ख्याल में कोई पहनेगा? वैसे शादियों में पहन सकते हैं, कंट्रास्ट कर लेते हैं। बॉयज कौन सा कम है आजकल? मैरून कलर के, मैरून कलर के बिल्कुल। रेड भी मैंने देखा है, रेड कलर को भी ना शामिल कर लेते हैं वो, कहीं ना कहीं रेड कलर को। अगर बॉयज को रेड कलर पसंद होता है ना, वो कहीं ना कहीं रेड को, रेड शर्ट्स ले लेते हैं, रेड, हाँ रेड कहीं ना कहीं आ जाता है उनके। चले ठीक है। अच्छा चले ठीक है जी, और बताइए अनम, इतने अरसे के बाद खैरियत थी, कहाँ थी? डरी थी बस, मैं थोड़ी तबीयत अपसेट हो गई थी। अब ठीक है तबीयत? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत प्यारी लगी आप। अच्छा। दे देना प्यारी थी। ये वाओ, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू सो मच अनम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, और मैं अब ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि जी आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने आपकी लाइफ को कलरफुल बना दिया, या ऐसा कौन सा इंसान है जिसने आपकी लाइफ के कलर से चुरा लिए। दोनों चीजें हो सकती है ना। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, फूलों की तरह महके। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक है शमा शाहीन? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा तो पता है क्या, आज मैंने अपने गले को इतने मुश्किल से कुछ बेहतर किया, मैंने कहा वरना आप ही कहेंगी शमा अभी तक भी मारो। बिल्कुल जी, ऐसा ही मैंने ऐसे ही कहना था, और मैंने ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना था कि शमा आप ठीक हुई हैं? आप ही पता है क्या, मैंने ना अब दवाइयाँ भी ली हैं लेकिन उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर ये हुआ कि अब्बू जी ने दम करके मुझे 3 दिन पानी पिलाया तो कुछ फर्क पड़ा, तो अब्बू जी कह रहे थे कि टाइफाइड है ना, तो मैंने कहा ना अल्लाह ना करे वाकई में। तो फिर आपने टेस्ट वगैरह करवाए? आई होप सो कि टाइफाइड जैसी चीज नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी सिस्टर भी मुझे कह रही थी, कहती है 3 वीक्स हो गए तो मैं बीमार हुए, तो तुम जाओ डॉक्टर के पास चेक करवाओ। मैंने कहा यही तो मेरी कमजोरी है, मैं डॉक्टर के पास नहीं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, और डॉक्टर्स जो है आपको सही प्रॉपर गाइड करते हैं कि जी आपने क्या करना है। और इस तरह जो है ना बीमारी, जो है ना बीमारी को वो कहते हैं कि शुरू में ही देख लेना चाहिए, बजाय इसके आगे जाके कोई सिवियर जो है ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपकी, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ब्लू पसंद है। ब्लू पसंद, ब्लू भी आ जाते हैं, स्काई ब्लू भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है आप मूडी हैं? बहुत।
हाँ तो मैंने सही कहा ना, ब्लू कलर जिनको पसंद होता है वो मूडी होते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इनफेक्ट मेरा मूड अगर कर रहे तो किसी से बात करूंगी, नहीं कर रहा तो नहीं करूंगी। एक सिर्फ एफएम की कुछ स्पेशल आरजेस हैं कि जिनसे बात करने का मेरा मूड हो या ना हो, लेकिन मेरी बात आज नहीं होती। अच्छा चले ठीक है। अच्छा चले मुझे ये बताइए फिर कि ऐसा कौन सा है इंसान जिसके आने से आपकी लाइफ कलरफुल हो गई है, और वो चला जाएगा तो आपकी लाइफ जो है वो कलरलेस हो जाएगी? बहुत सी ऐसे लोग से नाम लेने ना, जल्दी जल्दी से नाम ले। सबसे पहले तो मेरी मैम है, मैम आयशा, और उन्होंने बहुत मेरे लिए किया और मेरा करती भी है अभी तक। इनफेक्ट सब टीचर्स ही बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो है। और मेरे गांव की मेरी टीचर है, टीचर फौजिया वो। और फ्रेंड्स में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुस्कान आती है, जो बिहारी से है। इनफेक्ट हम लोग मिले तो नहीं है, लेकिन फेसबुक पे हमारी 6 ईयर्स से फ्रेंडशिप है, और फोन पे भी बात होती है, घर वालों को भी सबको पता है, दोनों फैमिलीज को पता है। तो लेकिन फिर भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे मुस्कान कभी मेरी जिंदगी से जाए, वो है। और नौशीन है, और फिर आप लोग भी हो, कि आप सबको जब से मैंने 2010 से सुनना स्टार्ट किया है, तो तब से मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी जिंदगी से कभी ना जाए। चले जी, थैंक यू सो मच शमा शाहीन, अपना ख्याल रखिएगा। और आप ये बताइए, जब से आप आई है ना 9:26 से, मैं तब से कॉल मिला रही हूँ 9:26 से जी। एंजना कर सो टाइम टू नोट करके बता रही हूँ, वो भी ऑन ही है, मैंने तो छुपा के रखा हुआ था। मैं जो हूँ ना बहुत ज्यादा बोल रही, पता है क्या, जब अभी 10 बजे है ना, तो मैं अभी कमेंट करने लगी थी कि आप ये आज लगते हैं कॉल्स नहीं लेने, अगर नहीं लेने तो बताइए, मैं सो जाती हूँ ना, तो आपने फौरन से अनाउंस करते मैंने कमेंट मिटा दिया। चले थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा शर्मा। ओके आप भी ख्याल रखिएगा। और जाते जाते सबसे इतना जरूर कहूंगी कि जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, बल्कि हर जगह से जब आप समझते हैं कि आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो इससे ये आप समझ लें कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल रखे हैं, कभी भी उसका दरवाजा तो नहीं बंद होता, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा दरवाजा जरूर खोल देता है कि जिससे आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला होता है। क्योंकि ये अल्लाह ताला की शान होती है कि वो नया दर खोले बगैर कभी भी पुराना दरवाजा जो है वो बंद नहीं करता। तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें। और पढ़नी तो पड़ती थी, लेकिन मैंने कहा चले यही बात कह देती हूँ। चले और बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लिसनर्स हम बढ़ते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जा रहे हैं। Power of love, power of music, only on Power FM 99. जो मैंने जो सॉन्ग प्ले किया है, इसका थोड़ा सा अभी शुरू में इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, मुझे बताइए ये सॉन्ग जो है कौन सा है, कौन बताने वाला है? कमेंट कर सकते हैं, कॉल पे बता सकते हैं। दोबारा से सुनिए। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि जो अभी मैंने जो म्यूजिक प्ले किया था, जो सॉन्ग प्ले किया था, जो मैंने सिर्फ शुरू का म्यूजिक प्ले किया है, वो कौन सा सॉन्ग था? कम बैक ऑर्डर्स ही, हम कुछ आपके फीडबैक शामिल करते हैं। हमने आपसे पूछा था कि जी आपका पसंदीदा कलर जो है वो कौन सा है, और जी आपने अपना पसंदीदा जो भी कलर है, जो भी फेवरेट कलर है, हमें बताना है। और ये भी बताना है कि जी ऐसा कौन सा शख्स है जिसके आते ही आपकी लाइफ में कलर्स आ गए हैं, और ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसकी लाइफ में आके जी आपके जो कलर्स थे ना, वो रेड कलर जो था ना वो ब्लैक हो गया है, जो कलर्स थे वो ऐसे करती हूँ, कुछ कॉल्स पिक करती हूँ, शायद हमें पता चल जाए कि जी हमें कोई बताने वाला हो कि कौन सा सॉन्ग है। ओल्डी गोल्डी सॉन्ग है, अब कौन सा सॉन्ग है ये आपको हमें बताना है। कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम, मैं साथ बात कर रहा हूँ। साथ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आपको वेलकम करते हैं साथ। आपने वो जो जो मैं पूछ रही हूँ कि गेस करें कि सॉन्ग कौन सा है, वो सुना है आपने? नहीं, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं तो इसलिए मैंने वो सुना नहीं। आप मुझे बताएंगे कि ड्राइविंग अभी भी कर रहे हैं? अभी भी ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट की साइड पे रोक ली गाड़ी। चले, वरना मैंने ही यहाँ पे आपका चलान कर देना था।
अच्छा 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 मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसके आते ही आपकी लाइफ में कलर्स आ गए हैं, या ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसकी लाइफ में आते ही आपकी लाइफ बेरंग हो गई है? एक जो है वो है मेरा भाई. ओके ठीक है, मतलब छोटा भाई है लेकिन मेरा भाई. और एक और स्पेशल पर्सन है. ओके क्या नाम है उनका? किसका? स्पेशल पर्सन का. स्पेशल पर्सन, पहले वाले स्पेशल पर्सन का नाम हसन है. ओके और सेकंड जो है वो थोड़ा प्राइवेट है. थोड़ा सा प्राइवेट है. अच्छा चले ठीक है जी. वैसे भी वो कहते हैं ना कि प्राइवेट चीजें जो है वो संभाल के रखनी चाहिए वरना नजर लग जाया करती है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो कलर कौन सा पसंद है साद आपको? कलर मुझे पसंद है ब्लैक, ब्लू, व्हाइट. बस करें बस करें, हाथ हौला रखिए. अच्छा 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 चले ठीक है जी. चले ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे साथ? हाँ, आपका एक तो शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है. मैं आपको तकरीबन हर शो आपका सुनता हूँ, बस आज थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे साइड पे, आपके शो नहीं आ रहा, तो बस इसीलिए मैंने कहा कॉल ट्राई करता हूँ शायद मिल जाए. तो मैं लकी हूँ कि अभी मिल गई, वरना मिल नहीं रही थी. अच्छा चले, थैंक यू सो मच साथ. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.